हेलो स्टूडेंट, टुडे वी लर्न द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉयड। तो सबसे पहले हम इसको सुनते हैं, फिर जो लिखा है वो पढ़ेंगे। सेंट्रॉयड जो होता है वो प्लेन लेमिना, यानी जिस जैसे कागज़ हो गया, कागज़ का आप ट्राइंगल बना लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए, उन चीज़ों में जिनकी थिकनेस ना के बराबर हो, जैसे जिसको हम प्लेन लेमिना जैसे कागज़ की बात बोल दें, तो उनके सेंट्रॉयड होते हैं, ठीक है। और अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलें, कोई भी सॉलिड बॉडी है तो उसके लिए हम सेंट्रॉयड वर्ड यूज़ नहीं करते, उसमें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूज़ करते हैं। तो अभी बेसिक डिफरेंस ये है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है किसी भी बॉडी पर, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, जहाँ पर उस बॉडी का पूरा वेट एक्ट हो। वेट क्या हो? एक्ट हो। तो सेंट्रॉयड होता है वहाँ पर वेट नहीं एक्ट करता, उसमें हम एरिया बोलते हैं, जहाँ पर किसी पूरी बॉडी का एरिया एक्ट हो, उस पॉइंट को हम सेंट्रॉयड कह देते हैं। इसमें बेसिक है भाई, आपको ये याद रखना पड़ेगा भी, इसमें मैंने बोला है एरिया एक्ट हो रहा है और इसमें मैंने बोला है वेट एक्ट हो रहा है। चलो सर, ये समझ में आ गया। तो अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी वेयर, इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी, वेयर होल ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी इज ड्यूम टू बी एक्टेड, जिस पॉइंट पे वो सारे का सारा वेट एक्ट हो जाए। और इट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी वेयर एरिया, यानी सेंट्रॉयड में एरिया ऑफ द एंटायर बॉडी एक्ट। जैसे प्लेन लेमिना, इसमें हम बोलेंगे जैसे सॉलिड बॉडीज लाइक स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, जैसे पत्थर है, पत्थर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। अभी मैं सेंट्रॉयड की बात करूँ, इट इज डिफाइंड एज द डिफाइंड फॉर द बॉडीज हैविंग एरिया, जो जिसके पास लेमिना ही है, लाइक सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। लाइव एग्जाम्पल जैसे मैं कह दूँ, जैसे पेड़ का पत्ता है, पत्ते का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं निकलता, पत्ते का सेंट्रॉयड निकलता है, लेकिन अगर पत्थर बोलें, स्टोन बोलें, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकलता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।